हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा सिंह। स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर स्टडीज हब पर। एंशियंट इंडिया की सीरीज में ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट ही वीडियो होगा। इसके बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगी पाला आर्ट के लिए, जो स्पेसिफिक होगा, जो बीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए होगा, क्योंकि पाला आर्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस मेंस में बन जाते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर को लेके। ठीक है, देखिए, हम जो पूरा सीरीज पढ़ रहे थे स्टाइल्स ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर में, सबसे पहले हमने ओरिजिन ऑफ टेंपल मेकिंग के बारे में जाना था, स्टार्ट ऑफ टेंपल मेकिंग, कब से भारत में मंदिर बनना शुरू हुए थे हमने उसके बारे में जान लिया था। उसके बाद 5th सेंचुरी ऑनवर्ड्स जो डिफरेंट डायनेस्टीज थी, उन्होंने अपने अपने रूल में किन किन डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेम्पल्स को प्रमोट किया था, डेवलप किया था, तो हमने, ठीक है, नगरा के बारे में पढ़ लिया था, जो नदन इंडिया में फ्लॉरिश हो रहे थे उस समय टेम्पल। ठीक है, चंदेलाज रूलर्स और आपके कलिंगा के जो रूलर्स थे और आपके सोलंकी जो रूलर्स थे, जिन टेम्पल्स को फ्लॉरिश करा रहे थे नदन इंडिया में, वो नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में गिने गए थे। ये हमने एक वीडियो में डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हमने विसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को डिस्कस किया था, जो डेक्कन में फ्लॉरिश हो रही थी आपकी चालुक्याज और होयसलाज रूलर्स के डायनेस्टी में। उसके बाद हमने द्रविड़ा को डिस्कस कर लिया, द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को, जो सदर्न इंडिया में फ्लॉरिश हो रही थी, जिसको मेनली आपके पल्लवाज और ग्रेटर चोलाज ने प्रमोट किया था, उनके समय में, उनकी डायनेस्टी के समय में ही आर्ट फ्लॉरिश हुई थी। ठीक है, तो 3 स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद 3 स्टाइल्स और बच जाती हैं। मैंने आपको स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के पहले वीडियो में 6 स्टाइल्स के बारे में बताया था। जो आपके बच जाती हैं स्टाइल्स, वो है नायका स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर, विजयनगर स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर एंड उसके बाद पाला, पाला स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर, जो ईस्टर्न इंडिया में रूल किया करते थे। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे हम थोड़ा थोड़ा। देखिए, ये जो टेंपल मेकिंग थी, ये देखिए, जैसे नायका रूलर्स थे, विजयनगर रूलर्स थे, इनकी जो टेंपल मेकिंग थी वो समथिंग विसारा और द्रविड़ा से मैच करती थी, बट कुछ डिस्टिंक्ट फीचर थे जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे अपने स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग में, तो उनके बारे में हम जान लेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। फाइन, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए, कोई फीचर दे दिया जाएगा नायका स्टाइल का, विजयनगर स्टाइल का, और पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। ऐसा नहीं है पूछे नहीं गए, इनका रेलेवेंस नहीं है। रेलेवेंस नहीं होता तो मैं आपको नहीं पढ़ाती, इनका रेलेवेंस है। यूपीएससी सीएससी पूछता है, उसके बाद डिफरेंट स्टेट पीसीएस एग्जाम्स भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपका, तो इन्हें हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फाइन, सबसे पहले आता है आपका नायका स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ये देखिए, आपके जो नायका रूलर्स थे, पहले उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये आपके मदुराई में, ठीक है, आज जहाँ पे तमिलनाडु है वही मदुराई भी है, ये वही रूल करते थे, और 16th to 18th सेंचुरी AD तक नायका रूलर्स ने रूल किया था। कहा जाता है जो नायका रूलर्स थे वो विजयनगर एम्पायर और काकतिया एम्पायर जो डायनेस्टी थी, काकतिया और विजयनगर डायनेस्टी, उन्हीं की डायनेस्टीज में ये मिलिट्री गवर्नर्स हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? मिलिट्री गवर्नर्स। बट जब वो डायनेस्टीज का डाउनफॉल हो गया, तो उसके बाद नायका रूलर्स अपराइज हुए, उठकर आए और उन्होंने अपनी डायनेस्टीज एस्टेब्लिश कर ली, तो उन्होंने अपना डिफरेंट स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया था। टेम्पल्स बनना शुरू हुए थे नायका स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में। फाइन, तो इनका जो टाइम स्पेन था वो 16th to 18th सेंचुरी था, मैंने आपको बता दिया। मदुराई स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर भी से कहा जाता है नायका स्कूल को। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये जो टेम्पल मेकिंग थी, ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर था, ये द्रविड़ा स्टाइल के जैसा ही था, ऑलमोस्ट द्रविड़ा स्टाइल ही था, क्योंकि तमिलनाडु में ही फ्लॉरिश हो रहा था, तो द्रविड़ा स्टाइल के ही इसमें फीचर्स थे। नगरा स्टाइल के तो फीचर नहीं होंगे, बट लार्जर इन स्कोप, बट जो इसका स्कोप था वो लार्जर था। जो टेम्पल्स बन रहे थे वो कई गुना बड़े, लंबे, चौड़े बन रहे थे। ठीक है, गोपुरम, जो गोपुरम हुआ करता था इन टेम्पल्स में, जो नायका स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर था, उसमें जो गोपुरम होते थे वो टॉलेस्ट गोपुरम थे। ठीक है, द्रविड़ा स्टाइल में भी उतने टॉलेस्ट गोपुरम नहीं बने थे जितने नायका स्टाइल में बने थे। ठीक है, नायका रूलर्स ने
सम ऑफ द टॉलेस्ट गोपुरम्स बनवाए थे अपने कार्यकाल में, अपनी डायनेस्टी के, अपने रूल के समय में। उसमें से जो मेन एग्जाम्पल है वो है मीनाक्षी टेम्पल का। मदुराई में मीनाक्षी टेम्पल है जिसका टॉलेस्ट गोपुरम है, गोपुरम वर्ड में। देखिए गोपुरम क्या होता था मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये टेम्पल है, ये मीनाक्षी टेम्पल है इसका। देखिए ये जो है ये एंट्रेंस है जहां से डिवोटीज टेम्पल में एंटर कर सकते हैं, जो भक्त होते हैं वो मंदिर में जा सकते हैं। तो ये एंट्रेंस गेट है, इस एंट्रेंस गेट के ऊपर एक टावर बनाया जाता था। ये देखिए आपको दिख रहा है ये टावर, ये जो टावर है टॉल टावर है, ठीक है। और इसके ऊपर ब्यूटीफुल कार्विंग्स हो रही हैं, स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, इसको बहुत सुंदर सजाया जाता था, इसी को हम गोपुरम कहते थे। आपको ध्यान हो जाएगा, वैसे आपने गोपुरम बहुत बार पढ़ा होगा तो शायद नहीं याद रहता होगा, बट यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि गोपुरम क्या है और टॉलेस्ट गोपुरम किस डायनेस्टी के रूल के समय में बनवाए गए थे। तो आपको याद रहेगा दैट नायका स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के समय में टॉलेस्ट गोपुरम बनवाए गए थे। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी संभावना है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि टॉलेस्ट गोपुरम किस रूलर्स के समय बनवाए गए थे, ठीक है, किस स्टाइल ऑफ आर्ट के समय में। आर्ट ऑफ गोपुरम रिजिस्ट क्लाइमेज, जो गोपुरम की जो कला थी नायका रूलर्स के समय क्लाइमेक्स पे पहुंच चुकी थी, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इंट्रिकेट कार्विंग्स फॉर यूज टू डेकोरेट टेम्पल्स, टेम्पल्स को सजाने के लिए इंटीग्रेट कार्विंग्स की जाती थी, बहुत ही ज्यादा सुंदर स्कल्पचर्स बनाए जाते थे, बहुत उकेरा जाता था चित्रकारी को मंदिरों के ऊपर अंदर बाहर, बहुत सुंदर। अभी कभी आप साउथ इंडिया विजिट किए होंगे तो आपने देखा होगा साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं वो बहुत ज्यादा डेकोरेटेड हैं, ठीक है, ठीक है। आप ये देख लीजिए मीनाक्षी मीनाक्षी टेम्पल है ये आपका, जो मदुराई में है, ठीक है। आपको दिख रहा है ये बाहर से टेम्पल कैसा है, इसके ऊपर क्या क्या बनाया हुआ है, ठीक है। ये देखिए स्कल्पचर्स देखिए कितने सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स, ये आपका एंट्रेंस गेट है आपको दिख रहा है, और ये देखिए ये जो टॉलेस्ट टावर इसके ऊपर बनाया गया है दैट इज गोपुरम, इसको हम गोपुरम कहते हैं। ये भी उसका ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन है, फाइन। इसका लेंथ एंड ब्रेथ देखिए आप कितना ज्यादा है, तो टॉलेस्ट गोपुरम इस समय पे बनते थे। बाकी सारे जो फीचर थे वो द्रविड़ा स्टाइल से ही मैच करते थे। तो आपका ये हो गया नायका स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। उसके बाद बारी आती है विजयनगर की, विजयनगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की बारी आती है। देखिए जो विजयनगर एम्पायर था वो आपको 13 सेंचुरी के आसपास डेक्कन में शुरू हुआ था और 16 सेंचुरी तक इन्होंने ऑलमोस्ट रूल किया था। हम्पी के ये लोग रूलर थे कर्नाटका में, डेक्कन में ही इनका रूल था, ठीक है। देखिए इन जो विजयनगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर था इसमें क्या था, इसमें जो वॉल्स थी टेम्पल्स की देवर हाईली डेकोरेटेड विथ कार्विंग्स इन ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे, और जो दीवारें होती थी उनको बहुत सुंदर बनाया जाता था, फाइन। उसके बाद जो देखिए द्रविड़ा स्टाइल में नायका स्टाइल में क्या होता था कि आपका ये टेम्पल है और ये आपका एंट्रेंस गेट है, तो एंट्रेंस गेट के ऊपर एक ही गोपुरम बनता था द्रविड़ा स्टाइल में और नायका स्टाइल में। बट विजयनगर स्टाइल में क्या नई चीज इंट्रोड्यूस हुई, दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा क्या नई चीज इंट्रोड्यूस हुई कि ये लोग अब ऑल साइड्स ऑफ टेम्पल में गोपुरम बनवाते थे। मतलब ये आपका टेम्पल है तो इसके इस वाले गेट के ऊपर भी गोपुरम, यहाँ भी गोपुरम, यहाँ भी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ गोपुरम होते थे, बिल्ड ऑन ऑल साइड्स ऑफ द टेम्पल, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, मोर देन वन मंडपास, आपने पहले पढ़ा था मंडपास जो थे आपके नगराई स्टाइल में भी थे द्रविड़ा स्टाइल में भी थे, जिन्हें हम असेंबली हॉल भी कहते थे, ठीक है, जहां आपके डिवोटीज जो भक्त होते थे बैठ के भजन कीर्तन पूजा करते थे प्रेयर्स करते थे वो पार्ट मंडपा होता था। तो जो नदन इंडिया था उसमें जो मंडपास थे वो एक ही मंडपा होता था, द्रविड़ा आर्ट में भी एक ही मंडपा होता था, बट विजयनगर स्कूल ऑफ आर्ट में कई सारे मंडपास, एक सेंट्रल मंडपा होता था और उसके पास जिसको कल्याण मंडपा कहते थे और उसके आसपास और दूसरे भी मंडपास बनवा दिए जाते थे, मोर देन वन मंडपास वर बिल्ड इन ईच टेम्पल, हर टेम्पल में एक मंडपा से ज्यादा मंडपा होता था, लोगों को बैठने के लिए ज्यादा जगह बनाई जाती थी, असेंबली हॉल ज्यादा बनवाए जाते थे। मेन मंडपा को कल्याण मंडपा कहते थे, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने उन्हें हाईलाइट किया हुआ है आपकी सुविधा के लिए जिससे आपको याद रहे, ठीक
विट्ठल स्वामी जो आपका टेम देखिए विट्ठल स्वामी इसका बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, जो हम्पी में है। उसके बाद लोटस महल टेम्पल है, ये भी आपका हम्पी में है। आइए ये देखिए लोटस महल टेम्पल आप देख लीजिए, बड़ा सा यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाया हुआ है। ये देखिए ये जो सेंट्रल है ये आपका कल्याण मंडपा है। ये क्या है? कल्याण मंडपा। उसके बाद ये देखिए सब्सिडायरी मंडपाज हैं, कई सारे मंडपाज बनवाए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू। यहाँ पे कल्याण मंडपा को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, एक से ज्यादा गोपुरम बनवाए जाते थे। बस यही दो मेन फीचर्स यहाँ पे ऐड हुए थे विजयनगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में। उसके बाद बारी आती है पाला स्कूल की। पाला स्टाइल देखिए वैसे तो ये नॉर्थ का ही पार्ट है, ठीक है, तो नगरा स्टाइल में इसको इंक्लूड कर देना चाहिए था, पर क्यों इसको अलग से हम पढ़ते हैं? क्योंकि जो पाला स्कूल ऑफ टेम्पल मेकिंग था, पाला स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर था, उसमें जो टेम्पल्स थे वो डिफरेंट स्टाइल्स में बनाए जा रहे थे। ठीक है, देखते हैं पहले पाला रूलर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए जो पाला रूलर्स थे वो 8th से 12th सेंचुरी तक इंडिया में रूल किए थे, और मेनली ईस्ट इंडिया में। ठीक है, आपका बंगाल, आपका बिहार का कुछ पार्ट, आपका उड़ीसा, आपका झारखंड का कुछ एरिया, ठीक है, उसके बाद आपका बांग्लादेश का कुछ एरिया, ये सब एरिया में आपके ये पाला रूलर रूल करते थे। देखिए अंडर द पेट्रोनेज ऑफ पाला, और पाला डायनेस्टी के बाद सेना डायनेस्टी आई थी। पाला देखिए बुद्धिस्ट थे और सेनास जो थे वो हिंदू रिलीजन को मानते थे, तो पाला ने बुद्धिस्ट आर्ट को एज वेल एज द हिंदू आर्ट को प्रमोट किया था। सेनास ने हिंदू रिलीजन के जो टेम्पल्स हैं उन्हीं को प्रमोट किया था। देखिए जो टेम्पल्स थे यहाँ पे उनकी जो रूफ होती थी वो स्लोपिंग होती थी। नगरा स्टाइल में हमने क्या देखा था, द्रविड़ा स्टाइल में क्या देखा था कि एक ऊंचा सा शिखर होता था, या फिर नीचे द्रविड़ा स्टाइल में हमने देखा था कि इस तरह से जिगजैग पैटर्न में विमान होता था टेम्पल। ठीक है, बट जो पाला स्टाइल था यहाँ पे क्या था, टेम्पल जो थी वो टेम्पल की जो रूफ हुआ करती थी वो स्लोपिंग होती थी। ठीक है, वो शिखर के फॉर्म में नहीं होती थी, स्लोपिंग होती थी, जिसको हम बंगला रूफ भी कहते थे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको ढंग से याद रख लीजिएगा आप। देखिए जो मटेरियल यूज होता था टेम्पल मेकिंग में, दैट वॉज बर्न ब्रिक्स, आपकी पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था, और क्ले का इस्तेमाल होता था, जिसको हम टेराकोटा क्ले भी कहते थे। टेराकोटा क्ले, फाइन। तो इसके जो फेमस जो टेम्पल्स हैं, जो पाला स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के समय में जो बने थे, वो सिद्धेश्वरा का महादेव का टेम्पल है जो विष्णुपुर बंगाल में है। आइए इसका पिक्चर देख लेते हैं। ये देखिए विष्णुपुर का टेम्पल देखिए आप, अब आपको दिख रहा होगा ये टेम्पल, इसकी जो रूफ है दैट इज स्लोपिंग। कैसी रूफ है इसकी? स्लोपिंग, ना तो इसमें शिखर है ना तो इसमें विमाना है, तो हुआ ना ये डिफरेंट स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा नायका स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, विजयनगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर एंड पाला स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। आई होप अब टेम्पल आर्किटेक्चर से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप उसको आंसर कर पाओगे, क्योंकि मैंने वन बाय वन करके सारा जो स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है उसको कवर कर लिया। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो भी आपको डिफिकल्ट लगे आप उसको पेन डाउन कर लीजिए, कॉपी लेकर उसमें नोट डाउन कर लीजिए, और उसको रेगुलरली रिवाइज करते रहिए। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो, आपको थोड़ा बहुत हेल्प हुआ है, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। जो भी फ्रेंड्स आपकी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर नए हो तो बेल बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। घर पर रहिए और अपना ध्यान रखिए। बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।